फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। साउथ दिल्ली जिला की एटीएस की टीम ने दो महिलाओं सहित तीन चोरों को गिरफ्तार किया। साउथ दिल्ली जिला की डीसीपी चंदन चौधरी ने बताया कि 14/7/2023 को टॉप फ्लोर हाउसिंग सोसाइटी NDSE पार्ट 1 नई दिल्ली में एक घर में चोरी की घटना हुई, जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने 1.100 किलोग्राम सोना और नगद रुपए चोरी किए हैं। उनके घर से 3.5 लाख रुपए भी गायब पाए गए। इस संबंध में कोटला मुबारकपुर थाने ने मामला दर्ज किया था, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 661/23 धारा 380/457 IPC के तहत मामला दर्ज किया था। मामले को सुलझाने के लिए ये जिम्मा AATS को सौंपा गया था और एक टीम बनाई गई थी, जो कि ऑपरेशन सेल के ACP राजेश कुमार के निर्देश पर इंस्पेक्टर उमेश यादव के नेतृत्व में एक टीम बनी। इस टीम में SI अमित कुमार, SI दीपक मेहला, हेड कांस्टेबल नरेंद्र, हेड कांस्टेबल जोगेंद्र, हेड कांस्टेबल संदीप यादव, हेड कांस्टेबल सोमवीर, महिला हेड कांस्टेबल सीमा मलिक, हेड कांस्टेबल जय भगवान, हेड कांस्टेबल महेश, हेड कांस्टेबल कृष्ण और कांस्टेबल संदीप कुमार इस टीम में शामिल थे। पुलिस टीम ने जांच की और टीम ने कई सदस्यों से जानकारी हासिल की और अपने गुप्त स्रोतों को भी तैनात किया और आखिरकार पुलिस टीम को जानकारी दी गई और मामले के विभिन्न पहलुओं पर मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया। सबसे पहले टीम ने गिरफ्तार आरोपी अनुराग से जुड़े लोगों की सूची निकाली। जुड़े हुए व्यक्तियों के मोबाइल नंबरों की पहचान की गई और टीम ने मोबाइल नंबरों का विवरण भी इकट्ठा किया और उसका गहन विश्लेषण किया। तकनीकी सहायता से ये पता चला कि एक महिला प्रेमवती घटना के 2 दिन बाद लखनऊ आई थी और 22/8/2023 तक वहीं रही है। उसके अन्य नंबरों को भी फिल्टर किया गया और उनका विश्लेषण किया गया और ये पता चला कि दो महिलाएं प्रेमवती और सरिता लगातार घटना में देखी गई थी और एक सुमित से संपर्क थी और आखिरकार इसमें दो महिलाओं को गिरफ्तार किया और एक पुरुष भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान, पहला सुमित पुत्र धर्मपाल निवासी आलमबाग लखनऊ का, इसकी उम्र 25 वर्ष और दूसरी महिला है नाम सरिता निवासी कोटला मुबारकपुर की, इसकी उम्र 40 वर्ष। तीसरी महिला है नाम प्रेमवती निवासी कोटला मुबारकपुर, उम्र 68 वर्ष। इनके पास से एक सोने के बिस्किट का वजन 1 किलोग्राम, एक सोने के बिस्किट का वजन 100 ग्राम बरामद किया है, जहां आरोपियों से पूछताछ जारी है।